इसलिए सावधान हो जाइए, क्योंकि अगली खबर जो है वो आपको बहुत ध्यान देनी पड़ेगी। कुमार कुंदन के पास मैं आ रहा हूं, क्विकली प्ले करें। कोरोना पर सीएसआईआर ने किया आगाह। सीएसआईआर ने कहा अभी नहीं खत्म हुआ है कोरोना संकट। सीएसआईआर ने चेतावनी दी है, कोरोना की तीसरी लहर आई तो हो सकते हैं गंभीर परिणाम, बेहद खतरनाक हो सकती है कोरोना की तीसरी लहर, ये खबर है। और मैं इसका जरा आपको वॉल दिखाना चाहूंगा, आइए जरा तेजी से सीएसआईआर की जो चेतावनी है वो दिखाना चाहिए, आइए प्ले करें इसको। सीएसआईआर ने जो चेतावनी दी है, भारत में अगर संक्रमण की तीसरी लहर आई तो वो आशंकाओं से कहीं ज्यादा खतरनाक हो सकती है। नंबर वन, सीएसआईआर के महानिदेशक ने आगाह किया है कोविड 19 संकट खत्म नहीं हुआ है। प्लीज अंडरस्टैंड, मौजूदा हालात से बाहर निकलने के लिए संस्थानों में लगातार सहयोग की आवश्यकता है। जलवायु परिवर्तन, परंपरागत ईंधन पर निर्भरता से पैदा होने वाले संकट, पूर्व स्थितियों को टालना जरूरी है। और महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के संक्रमण का कहर जारी है। हिंगोली में एक हफ्ते का कर्फ्यू लगा दिया गया है। पुणे में नाइट कर्फ्यू की अवधि 14 मार्च तक बढ़ा दी गई है। इसके अलावा पुणे में सभी स्कूल कॉलेजों को बंद कर दिया गया है। शिक्षा क्षेत्र से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए आप हमारे चैनल पर लगातार अपडेट रहिए। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।